सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। और बहुत ही एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है, जैसे कि आप लोगों ने भी सुनी होगी कि जो है माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके सॉफ्टवेयर में बहुत बड़ा इशू आ गया है, सर्वर के कुछ क्रैश होने की, सर्वर में प्रॉब्लम आने की वजह से। तो इससे एक्चुअल में हुआ क्या है कि जो जितने भी विंडोज़ के लैपटॉप हैं, विंडोज़ 10 का जो सॉफ्टवेयर है उनके अंदर ये बग निकल के आया है। और इसका मेन कारण जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को, जो एक दूसरी कंपनी है जो कि इनके लिए साइबर सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर पैचेस निकालती है, तो उनके द्वारा ये न्यूज़ में निकल के आ रहा है कि उनके द्वारा कुछ सॉफ्टवेयर एरर आया है। तो उस कंपनी का नाम है क्राउड स्ट्राइक। तो क्राउड स्ट्राइक ने जब जैसे ही अपडेट जो दिया है विंडोज़ 10 और 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो उसकी वजह से जितने भी पूरे वर्ल्ड में अपने एयरलाइंस हैं, बैंक्स हैं और जो भी जहाँ पर भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है और उन्होंने अगर अपडेट किया है तो वहाँ पर जो है वो उनका लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी है वो सडनली क्या हो रहा है, जैसे ही उन्होंने कनेक्ट किया इंटरनेट से अपडेट होने के बाद, तो सडनली वो जो है वो रिस्टार्ट हो रहा है और ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ जो है वो उसके अंदर आ रहा है और कंटिन्यूस जो है वो लूप में रिबूट हो रहे हैं, या तो रिस्टार्ट स्टार्ट नहीं हो रहे हैं या कंटिन्यूस रिबूट होए जा रहे हैं ऑटोमेटिकली। तो ये अभी पिछले 6 घंटे से ये तो कंटिन्यू चल रहा है। और क्राउड स्ट्राइक ने भी जो है वो ट्विटर एक्स हैंडल पे उन्होंने अपडेट किया है, जो उनके हेड हैं उन्होंने किया है कि हम कंटिन्यूस उसके लिए जो है वर्क कर रहे हैं उनके इंजीनियर्स उसको रिजॉल्व करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतनी न्यूज़ थी। तो इसके आगे की अगर कोई अपडेट मेरे पास आती है तो मैं ज़रूर आपको आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।